Assalamualaikum. I hope you all are having an amazing day. It's me, Lubna Rahman, and today I'm in Gilgit, Baltistan. So in today's video, I'm gonna talk about food because we are gonna eat food. We are gonna cook food. Just stay with me and eat. के अंदर मुझे जो टेस्ट आ रहा है वो धनिया, उसके बाद योगर्ट और ना मतलब बहुत मजे की सौवरने से बहुत अच्छा टेस्ट है, थोड़ा क्रंची सा टेस्ट है. इट्स यम्मी, इट्स कम्प्लीटली यम्मी. तो इसे कहते हैं ब्रूस शपिक. इसके ऊपर जो है इन्होंने एलमंड ऑयल भी यूज़ किया हुआ है. अभी जो दूसरा फूड है हमारे पास वो है बेरीकुट्स. बेरीकुट्स नाम थोड़ा वियर्ड लगता है लेकिन आई डोंट नो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. सो लेट्स ट्राई इट. इट्स यम्मी. इसके अंदर एलमंड को जो है बिल्कुल ही मैश करके एलमंड का पेस्ट बना के इसके अंदर डाला हुआ है, स्प्रेड किया हुआ. इट्स यम्मी. और बाहर से जो है इसके ऊपर लगाया हुआ एलमंड ऑयल जो कि बहुत मज़े का टेस्ट दे रहा है इसे. आई मस्ट से आप लोगों को ट्राई करना चाहिए. नाउ द थर्ड फूड जो कि बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, इट्स ग्रीन कलर पेनकेक. ठीक है, ग्रीन कलर का पेनकेक मुझे तो पेनकेक लग रहा है लेकिन ब्रूशेस के लोग, गिलगित के लोग इसे कहते हैं हमामो दियाली. हमामो इज़ बेसिकली अ फ्रूट, वेजिटेबल, नॉट फ्रूट, सॉरी. इट्स अ वेजिटेबल जो कि इन्होंने मुझे बताया ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, पेन से रिलीफ के लिए. सो लेट्स ट्राई इट. मैंने एक पीस लिया, इसे मैंने इसे फोल्ड किया. तो मुझे जो टेस्ट आ रहा है वो बटर और बटर का टेस्ट है और बिल्कुल क्रंची सा टेस्ट आ रहा है, बहुत मज़े का टेस्ट है. इसके अंदर आटा भी है, थोड़ा सॉल्टी टेस्ट है. सो मैंने ये सारे डिशेस ट्राई किए, सारे आई मीन टू से ये तीनों डिशेस ट्राई किए, दीज वर अमेजिंग. तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग गिलगित बल्तिस्तान आए और यहाँ आके इनको ज़रूर टेस्ट कीजिए. और हाँ, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू से इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद दिस फैमिली. फैमिली मेम्बर्स फिलहाल बाहर हैं और मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ हूँ. इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं इनके साथ यहाँ पर बैठी हुई हूँ. शी इज़ सच नाइस वुमन.